तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल हेरॉक्स वाईटी पे। तो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ आप सबके लिए माइनक्राफ्ट का एक बहुत बेहतरीन मोड लेकर के। जी हाँ गाइस, इस वाले वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कस्टम स्टिक्स मोड। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो कस्टम स्टिक्स मोड है ये सिर्फ जावा के लिए है, लेकिन इस वाले वीडियो की मदद से आप लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इजिली अपने माइनक्राफ्ट के पॉकेट वाले एडिशन में कस्टम स्टिक्स मोड को यूज कर पाओगे गाइस। तो गाइस, इस वाले मोड की मदद से आप लोगों को यहाँ पे काफी सारा नया नया टाइप का स्टिक्स देखने को मिलने वाला है, और उन स्टिक्स की मदद से आप लोगों को यहाँ पे काफी सारा नया नया पावर्स भी देखने को मिलने वाला है गाइस। तो गाइस, अगर आप लोग जानना है कि आप लोग यहाँ पे इस वाले ऑसम मोड को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, कैसे आप लोग यहाँ पे अपने माइनक्राफ्ट के पॉकेट वाले एडिशन में कस्टम स्टिक ला सकते हो, किस किस टाइप का स्टिक आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इस वाले मोड की मदद से, कैसे आप लोग उन सारे स्टिक्स को क्राफ्ट कर सकते हो, तो ये सब जानने के लिए सिंपली आप इस वीडियो को यहाँ पे ला जरूर देखना गाइज। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, माइनक्राफ्ट के पॉकेट वाले एडिशन में कस्टम स्टिक्स लाने के लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोगों को वहां पर जाकर सबसे पहले इस वाले मोड को डाउनलोड करके अपने माइनक्राफ्ट सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को वर्ल्ड क्रिएट करके यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपली रिसोर्स पैक में जाकर इस वाले मोड को एक्टिवेट कर देना है। बिहेवियर पैक ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर गेम्स और सेक्शन में जाकर सिंपली हॉलीडे क्रिएटर फीचर को इनेबल करके वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है। तो गाइज, जब तक वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइज, अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलरली माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ऑसम मोड्स और वीडियोस लाते रहता हूँ। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग बताया था कि इस वाले मोड की मदद से आप लोग यहाँ पे काफी सारा नया नया कस्टम स्टिक्स देखने को मिलने वाला है। तो जो गाइज हमारा सबसे पहला स्टिक, उसे क्राफ्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे रॉ पॉर्क चॉप चाहिए होगा। रॉ पॉर्क चॉप को आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस कर देना क्राफ्टिंग टेबल में। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये बीकन स्टिक आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गाइज। और ये जो बीकन स्टिक है, इस वाले स्टिक की मदद से आप लोगों को यहाँ पे तीन नॉकबैक स्टिक देखने को मिलने वाला है। उन्हें लाने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे इस वाले स्टिक को अपने हाथ में लेके होल्ड करके रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पे होल्ड करके रखोगे आप लोगों को यहाँ पे एक चेस्ट देखने को मिल जाएगा, और इस चेस्ट में आप लोग को यहाँ पे तीन नॉकबैक स्टिक देखने को मिलने वाला है। एक है 100, एक है 5000, एक है 32000। तो गाइज, ये जो 32000 वाला नॉकबैक है उससे आपका डिवाइस यहाँ पे लैग हो सकता है। तो गाइज, आप लोग यहाँ पे अपने डिवाइस के हिसाब से कोई सा भी स्टिक चूज कर सकते हो। और नॉकबैक से तो आप लोग को यहाँ पे समझ में ही आ रहा होगा कि जैसे आप लोग यहाँ पे किसी मूव को हिट करेगा तो वो मूव आपसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगले कस्टम स्टिक की तरफ। तो गाइस, जो हमारा अगला कस्टम स्टिक है उसे क्राफ्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ आयरन इंगॉट चाहिए होगा। आप लोग यहाँ आयरन इंगॉट को कुछ इस तरह से प्लेस कर देना, उसके बाद आप लोग यहाँ आयरन स्टिक देखने को मिल जाएगा गाइस। और इस वाले आयरन स्टिक का खासियत ये है कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे इस वाले आयरन स्टिक की मदद से किसी भी ब्लॉक को तोड़ते हो तो आप लोग यहाँ पे अपने इन्वेंटरी में एक आयरन इंगॉट देखने को मिलता है। चाहे आप लोग यहाँ पे किसी भी ब्लॉक को तोड़ लो, डर्ट हो गया, वुड हो गया, कुछ भी हो गया, आप लोग यहाँ पे अगर इस वाले स्टिक की मदद से तोड़ोगे तो आप लोग यहाँ पे अपने इन्वेंटरी में एक आयरन इंगॉट देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे डायमंड के स्टिक को भी क्राफ्ट करके काफ़ी ज़्यादा इजिली डायमंड भी ले सकते हो अपने माइनक्राफ्ट के पॉकेट वाले एडिशन में। सिंपली डायमंड स्टिक क्राफ्ट करके आप लोग यहाँ पे अगर किसी ब्लॉक को तोड़ोगे तो आप लोग यहाँ पे एक डायमंड आप लोगों को अपने इन्वेंट्री में देखने को मिल जाएगा। ऐसा है आप लोग यहाँ पे कोई सा ब्लॉक को तोड़ दो। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजीली नेदराइट और गोल्ड का भी स्टिक बना के काफ़ी ज़्यादा इजीली नेदराइट और गोल्ड ले सकते हो अपने माइनक्राफ्ट में। तो गाइस, जो हमारा अगला कस्टम स्टिक है उसे क्राफ्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे ब्लेज रॉड का जरूरत पड़ने वाला है। सिंपली आप लोग यहाँ पे ब्लेज रॉड को लेकर के कुछ इस तरह से क्राफ्टिंग टेबल में प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोग हम जैसे प्लेस करोगे आप लोगों को यहाँ पे फायर स्टिक देखने को मिल जाएगा गाइज। और इस वाले फायर स्टिक की मदद से आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजीली फायर थ्रो कर पाओगे। आप लोग यहाँ देख ही सकते हो, थ्रो करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे इस वाले स्टिक को अपने हाथ में लेकर के सिंपली स्क्रीन पर होल्ड करके रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे करोगे आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजीली किसी ब्लेज की तरह थ्रो कर पाओगे और ब्लास्ट भी होगा, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गाइस, जो हमारा अगला कस्टम स्टिक है उसे क्राफ्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे गन पाउडर का जरूरत पड़ने वाला है। गन पाउडर को ले लेने के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस कर देना उसे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्टिक देखने को मिल जाएगा। इसका नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो कि इस वाले स्टिक का क्या फीचर होगा। इस वाले स्टिक का ये फीचर है कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे इस वाले स्टिक की मदद से किसी ब्लॉक को तोड़ते होता हो उसके आसपास एक ब्लास्ट हो जाएगा गाइस। और अच्छा बात यह है कि उस ब्लास्ट आप लोग यहाँ पे जरा सा भी डैमेज नहीं होने वाला है। तो गाइस, ये वाला जो स्टिक है ये आपका यहाँ पे माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है।
क्योंकि एक तो ये एक बार में इतना सारा ब्लॉक तोड़ देता है और उस ऊपर से आप लोग यहाँ पे डैमेज भी नहीं पड़ता है गाइज इस वाले ब्लास्ट से। तो गाइज हमारा अगला कस्टम स्टिक है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे गोल्डन एप्पल चाहिए होगा। गोल्डन एप्पल को आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देना है क्राफ्टिंग टेबल में, उसके बाद आप लोग यहाँ पे हीलिंग स्टिक देखने को मिल जाएगा। तो गाइज इस वाले स्टिक की मदद से आप लोग यहाँ पे मोब्स को डैमेज देके अपना हेल्थ बढ़ा सकते हो। आप लोग यहाँ देख ही सकते हो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे इस वाले पिक को मार रहा हूँ, मेरा यहाँ हार्ट है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है गाइज, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गाइज ये वाली जो स्टिक है ये आपके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, खास करके आपके सर्वाइवल वाले वर्ल्ड में, क्योंकि इसके मदद से आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजीली अपना हेल्थ बढ़ा सकते हो। तो गाइज जो हमारा अगला लास्ट बट नॉट द लीस्ट कस्टम स्टिक है, उसे क्राफ्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो एंडर पर्ल को कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे एंडर स्टिक मिल जाएगा इस, और इस वाले एंडर स्टिक की मदद से आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांसपोर्ट कर पाओगे खुद को। और तो ये नॉर्मल एंडर पर्ल के मुकाबले ज़्यादा दूर तक आप लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वाला मोड और ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वाला मोड और ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।